Assalamu alaikum. Hi there guys, this is Kiran Baloch here. So today I'm sharing with you a Shahi Tukra recipe. So let's begin the video without any wasting time. बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. सो यहाँ पे मैंने 2 kg जो है दूध ले लिया था, उसको बॉयल करने के लिए रख लिया, और जो 2 tablespoon है वो थोड़े से दूध में मैंने मिक्स करके इसकी जो है पेस्ट जो थी वो तैयार कर ली थी. यहाँ पे मैंने इसमें 2 tablespoon मैंगो कस्टर्ड के ऐड किए थे ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए. मेरी फैमिली को जो है मैंगो कस्टर्ड फ्लेवर बहुत पसंद है, सो डैट्स वाई मैंने इसमें ये जो है ऐड किया. आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप जस्ट दूध में ही ड्राई जो नट्स होते हैं वो डाल के और थोड़ा सा खोया और क्रीम ऐड करके आप वो भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो है कस्टर्ड फ्लेवर जो है वो ऐड किया है. सो साथ साथ आप देखते जाएं कि नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं. मैंने एक प्याली जो है वो चीनी की ले ली थी, और साथ में मैंने जो कस्टर्ड का जो था पेस्ट वो भी रेडी कर ली थी, और दूध भी रेडी था. तो यहाँ पे जैसे ही दूध को बॉयल आया, साथ ही मैंने इसमें जो था बादाम और जो कोकोनट होता है वो क्रश किया हुआ, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया ताकि उसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए. सो शुरू में मैं ये बताना भूल गई थी, जो 2 tablespoon थे वो मैंने कस्टर्ड मैंगो कस्टर्ड के ऐड किए थे, जिसके मैंने एक मिक्सचर तैयार कर लिया था. यहाँ पे दूध को अच्छे तरीके से मैंने नट्स के साथ जो है वो पकने के लिए रख लिया. 10 से 15 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही पकाऊँगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए. पे मुझे जो है ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट हो गए थे दूध को पकाते हुए, ताकि एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए. आप भी इतना ही पकाइएगा. आप कस्टर्ड की जगह पे आप इसमें क्रीम और जो है खोया भी ऐड करके बना सकते हैं. सो वो इसमें फिर मैंने बाद में साथ ही जो है चीनी एक प्याली 25 मिनट बाद जो थी वो डाल दी थी, ताकि वो भी साथ मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से. तो आप, मैं बता रही थी आपको कि आप इसमें खोया और क्रीम ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और कस्टर्ड से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. आपने बहुत ज़्यादा कस्टर्ड ऐड नहीं करना, इतना करना है कि बस एक अच्छा सा जो है इसमें टेस्ट आ जाए. सो यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स हो गए थे. यहाँ पे मैं इसमें जो है कस्टर्ड ऐड कर दूँगी, जो 2 से 3 tablespoon जो मैंने इसका जो मिक्सचर था वो तैयार किया था. सो कस्टर्ड ऐड करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने 7 चम्मच जो है हिलाते रहना, आपने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना, नहीं तो वो उसमें फिर वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं और वो अच्छा नहीं लगता टेस्ट उससे, और उसका जो टेक्सचर है और कस्टर्ड का जो वो एक खूबसूरती है वो ख़राब हो जाती है. सो आप साथ साथ इसमें कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा डालते जाओगे और साथ साथ मिक्स करते जाओगे. कस्टर्ड डाल के आपने इसको फिर से 10 से 15 मिनट्स तक आपने इसको पकाना है, ताकि अच्छे तरीके से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए. और आपने बिल्कुल इसको थिक नहीं करना, और ना ही आपने इसको पतला रखना, आप एक अच्छे से एक जो है इसको टेक्सचर में आपने इसको रखना है. तो यहाँ पे इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए थे, और बहुत अच्छे जो एक ये उसमें आ गया था लिक्विड जो इसका होना चाहिए, जितना भी इसको थिक और जितना भी इसका चाहिए. और साथ ही मैंने एक जो थी पूरी डबल रोटी जो ब्रेड होती है वो ले ली थी, और उसको मैं दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह इसको इसके शाही टुकड़े आपने इसको शाही टुकड़ों के फॉर्म में ले आना है. Thank you.
से बड़ा जो स्लाइस है उसको काट के शायद टुकड़ों की फॉर्म में ले आई थी, और कस्टर्ड भी रेडी था। और अब मैंने फ्लेम ऑन किया और साथ ऑयल या घी आप जो भी यूज़ करते हो आपने पैन में डाल लेना, और जितने भी शाही टुकड़े आपने काटे हैं आपने उनको स्टेप बाय स्टेप जो है फ्राई कर लेना। आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करने, आपने उतने करने हैं जो ईजीली जो इसमें फ्राई हो जाए, और इनका एक बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आपने लेना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। सो साथ में आपको नेक्स्ट प्रोसीजर जो है आप वो देखते जाइएगा। आप इसको जो है ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बने थे। और जो है ईद पे और ऐसे जो त्यौहार होते हैं, ऐसे जो हमारे देसी और रवायती खाने होते हैं, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और वो जो टेबल पे जो है एक रौनक भर जाती है। सो अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, और साथ में वो जो कस्टर्ड था वो ठंडा होने के बाद आपने स्लाइस को भी 10 से 15 मिनट ठंडा होने देना है, कस्टर्ड को भी आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। देन आपने इसके ऊपर जो है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपने स्टेप बाय स्टेप डालते जाना है। आपने गरम कस्टर्ड और गरम स्लाइस को नहीं करना सर्व ऐसे। जो है इस स्टेज के बाद 20 मिनट के बाद आपने जो है इसकी जो है वो गार्निशिंग करनी है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट के बाद मैंने क्रीम के साथ जो है इसकी गार्निशिंग की, और जो ड्राई फ्रूट्स थे बादाम और जो कोकोनट था वो क्रश किया हुआ वो फिर मैंने बाद में इसके ऊपर डाल दिया। आपने फौरन ही डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर गार्निशिंग नहीं करनी, और क्रीम तो बिल्कुल भी नहीं आपने ऐड करनी। आपने 15 मिनट स्टे के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपने इसके ऊपर गार्निशिंग करनी है सारी, जितनी भी आपने आप चाहते हो। तो ये थी मेरी आज की डिश की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी जो है डिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट, एंड प्लीज़ टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।